क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 हमारा चल रहा है, और अभी जो मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूँ वो क्वेश्चन नंबर है 15। 13 हमने कर लिए, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया और 13 भी हो गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 15 है, इसकी स्टेटमेंट है, कहता है इफ टू डाइस आर थ्रोन, अगर दो डाई हमने थ्रोन किए, ये इसका सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, दो डाई अगर हम थ्रोन करें तो ये सैंपल स्पेस बनता है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। वन 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 टू फिर इसी तरह, तो ये कितना होता है, नंबर ऑफ सैंपल कितना है 30, ठीक है, टोटल काउंट कितना है 36। व्हाट आर वेरियस नंबर ऑफ डॉट्स दैट मे टर्न अप, मतलब क्या है, कहता है ये जो डॉट्स हैं इनमें से कितना कितना, ये असल में सम पूछ रहा है कि जो डॉट्स हमारे पास आए हैं उनका क्या क्या सम आ सकता है। तो अगर हम देखें तो पहले का सम बन रहा है 2, दूसरे का बन रहा है 3, 4 5 6 7, सम करें तो 4 5 6 7, नीचे देखें तो 3 पहले आ चुका है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 आ जाएगा, और आगे 9 और 10, 9 10 11 12, तो जो जितने भी हमें डॉट्स दिए गए हैं उन सब का जो टर्न अप है, यानी सम, टर्न अप सम, वो 2 से लेकर 12 तक आ गया, सिंपल बस, और कुछ नहीं करना। 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 डॉट है, सम करेंगे तो 2 बनता है, तो ये यानी कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2 और मैक्सिमम 12 तक सम आ सकते हैं, ये जो पेयर दिए गए ना इनका। उसके बाद कहते हैं व्हाट आर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम, हर किसी की प्रोबेबिलिटी बताएं। अब देखें 2 सम कब आ सकता है, सम 2 कब आ सकता है, अगर हम इसको इवेंट ए का नाम दें तो 2 1 और 1 में 2 आया हुआ है और किसी में 2 नहीं आता। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो फार्मूला हमने पढ़ा होना है एन ओवर ए एन ऑफ एस, ये कितनी है, एक है, एक सेट है, ओवर टोटल कितना है 36, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टर्न अप 2 था उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई। अगर हम दूसरी का लें, उसको मैं बी का लेता हूँ, 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो अगर मैं देखूँ 3 को, तो ये 3 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, तो 1 2 और 2 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, तो ये 2 है, 2 ओवर 36। इसी तरह आप सबके बनाएंगे, 4 वाला देखें, अगर हम ये 4 ये 4 ये 4 ये यहाँ लिख लेंगे और प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3 बाय 36। आगे 5 वाला देखें, 5 5 5 और 5, 4 है, 4 ओवर 36। इसी तरह अगर मैं 6 वाला देखूं, ये आपने इसी तरह सबके सैंपल बना लेने हैं, तो 4 वाला भी हो गया, 5 वाला भी हो गया, 6 वाला देखें, 6 6 6 6 6, 1 2 3 4 और 5, 5 ओवर 36। 7 वाला देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 ओवर 36। 8 देखें, 8 8 हो गए, 3
पांच बटा 36, 9 देखे तो 1, 2, 3 और 4, 4 बटा 36। 10 देखे तो 1, 2, 3, 3 बटा 36। 11, 5, 6, 11, 5, 6, 11, 2 बटा 36, और 12 सिर्फ एक ही है, 1/36। तो ये सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी भी निकाल दी है, ठीक है जी, सब की प्रोबेबिलिटी भी निकाल दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में ही वो कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डॉट्स एट लीस्ट फोर का मतलब है कम से कम चार होना चाहिए, बाकी उससे ज्यादा जितना मर्जी हो, कम से कम चार होना चाहिए बाकी उससे ज्यादा जितने मर्जी हो। तो अगर हम देखें तो यहां से चार होता है, चार 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 चार, बाकी इससे बड़े ही हैं सारे, नीचे को सारे बड़े ही हैं। यानी अगर ये तीन निकाल दिए जाएं, जो कि ये टू बनता है, ये थ्री बनता है, ये थ्री, बाकी सारे ही चार से बड़े हैं, तो वो सारा हम सैंपल लिख लेंगे। अगर हम इसको ए इवेंट कहते हैं तो सारा लिख लेंगे, और एन ऑफ ए कितना आएगा, तीन निकाले बाकी 36 है तो 33 आ जाएंगे। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो आएगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ सैंपल, ये 33 है और सैंपल 36 है, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। तो इस तरह ये भी हल हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट, कहता है शो दैट इन ए सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस थ्रो की है, यही सैंपल बनेगा दोबारा, द प्रोबेबिलिटी शोइंग मोर देन 7 इज इक्वल टू दैट ऑफ शोइंग लेस देन 7। कहता है अब जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसमें जो सम है अगर वो 7 से ज्यादा हो और दूसरा 7 से कम हो, 7 से ज्यादा वाले और 7 से कम वाले दोनों का इक्वल आएगी प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं पहले उसका फर्स्ट पार्ट करूं, मोर देन सेवन, 7 से ज्यादा, अब ये देखिए 7 कहाँ कहाँ बनता है, अगर मैं देखूं ना 7 कहाँ कहाँ बनता है तो ये देखिए 7 7 7 7 7 और 7। अगर मैं सैंपल लिखूं, इसको ए कह लूं, अब इसमें से ये इसके डॉट्स के नीचे सारे ऐसे हैं जो 7 से बड़े हैं, देखें 8 8 8 9 10, ये मैं काउंट करके बस लिख लेता हूँ, आप यहाँ ये लिख लेना सारे सैंपल, तो मैं एन ऑफ ए लिख लेता हूँ सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 आ गया। इसकी मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकालूं तो फार्मूला एन ऑफ ए एन ऑफ एस, ए क्या है 15 और टोटल कितना है 36। दूसरा उसने कहा है लेस देन 7, लेस देन 7, 7 से छोटे, अब ये जो डॉट्स हैं इनके ऊपर ऐसे हैं जो 7 से छोटे हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये भी कितने बार रहे हैं। अगर मैं इसको बी का नाम दे दूं, इसी तरह आप बी का सैंपल बना सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं,
ये भी 15 बन रहे हैं। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो n ऑफ b ओवर n ऑफ s, तो b है 15 और वो 36 है, ये देखिए इक्वल आ रहा है। तो हम कहेंगे लेट्स प्रूफ, हेंस प्रूव्ड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन 7, मोर देन 7 एंड लेस देन 7 आर इक्वल। इसी सवाल में उसने कहा है हेंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एग्जैक्टली 7। अगर 7 हो तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर मैं सैंपल लिखूं एग्जैक्टली 7 का थर्ड पार्ट अगर हम इसको कंसीडर करें, ये मैंने डॉट्स जो लगाए ना ये 7 वाले 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, ये डॉट्स वाले वो हैं जो एग्जैक्टली 7 हैं। इसको मैं सी का नाम ले देता हूँ। तो एन ऑफ सी कितना होगा? एन मतलब इनकी तादाद 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कैसे निकलेगी? एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, सी क्या है 6 और एन ऑफ एस यानी टोटल सैंपल कितना है 36 है, ये नीचे लिखा हुआ है। Let us state clearly what assumptions you are making. ये बताओ कि आप कौन सी assumptions के ऊपर इसको हल कर रहे हैं? कौन सी assumptions आपने लगाई हैं इसको हल करने में? तो जो assumption हमने लगाई है वो ये है कि every कि जितने भी इवेंट्स हैं, एवरी इवेंट हैज प्रोबेबिलिटी टू अकर या हैपन इक्वली। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इक्वल है, हर इवेंट इक्वल चांस रखता है कि वो हैपन हो सकता है। ये अजम्पशन है, इस बेस के ऊपर हम इसको हमने इस सवाल को हल किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ना तो ये अब इसके साथ मैं स्टार्ट से सवाल जोड़ लेता हूँ। 6.3 तक हमने काट लिया था पहले। अब मैं 4 को अगर देखूं, 4 का ए पार्ट क्या है? व्हाट इज मेंट बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? ये पहले वैसे मैंने पहली वीडियो में ये बता दिया था रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी थी, अ प्रोसेस दैट कैन प्रोड्यूस सेम डिफरेंट रिजल्ट्स अंडर सेम कंडीशंस। और फिर इसमें मैंने आपको पॉइंट की मिसाल दी थी, बर्थ ऑफ बेबी की मिसाल दी थी। इसके बाद सैंपल स्पेस क्या था? कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये भी ये रिपीट हो रहा है सारा। उसके बाद अगर हम इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट में पहला है वो कहता है फाइंड करो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ हम जब छोटी क्लासों में या 10 तक पढ़ के आए, ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद हम लेते थे यू माइनस और ए या तो ए। अब यहाँ वो कह रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है ना वो एस है, वो क्या है
तो यू को फिर हम क्या लिखेंगे, एस माइनस ए इंटू इंटरसेक्शन बी। तो पहले एस का सेट लिखेंगे, वो लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। माइनस ए का सेट लिखेंगे, ए का सेट हमें दिया गया है 2, 3 and 4। ये ब्रैकेट बंद, इंटरसेक्शन बी का सेट वो है 3, 4, 5। जिसके ऊपर बड़ी ब्रैकेट हो या गोल ब्रैकेट हो पहले उसको हल करना होता है। तो ये माइनस है तो ये वाले इनसे इधर से काट देंगे, 2 भी काट गया, 3 भी काट गया और 4 भी, जो इधर बचे हैं ना वो लिख लेंगे 1, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। और बार वाली वैसे आ जाएगी 3, 4 and 5। अब दोनों में इंटरसेक्शन आ गया, वो लिखोगे जो दोनों में है, तो 5 ऐसा हिस्सा है जो दोनों में है बस। ये भी छोटी क्लासेस के वैसे तो सवाल है, आप खुद भी कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यू माइनस ओ, एस माइनस ए यूनियन बी। तो मैं यही वाला ले लेता हूँ ऊपर वाला, बस इसमें यूनियन डाल लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको यूनियन से रिप्लेस कर दूं आप देखें क्या होगा, यहां तक तो ऐसे ही आएगा। आगे यूनियन में क्या किया जाता है, सारे लिख देंगे। तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 बस ओके हो गया। उसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट यू इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट उसका होल, ठीक है। अब ये क्या होगा इसमें, यानी कि ये बी के ऊपर भी वो भी क्या आएगा एस माइनस, चलिए मैं इसको खोल के लिख लेता हूँ। पहले आएगा एस में से ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एस की जगह अब एक और स्टेप कर लेते हैं, यू ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एस माइनस ए इंटरसेक्शन एस माइनस बी, ठीक है। पहले एस का सेट लिखेंगे, वो क्या है 1, 2, 10, 1, 2, 3 up to 10। माइनस यहां पर 1, 2, 10 दोबारा लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। और ए वाले जो है वो क्या है 2, 3, 4, 2, 3 and 4 ऐसे गोल ब्रैकेट आ रहे, इसके छोटी ऐसे। और इंटरसेक्शन एस वाले वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 माइनस बी का सेट, वो क्या है बी का सेट है 3, 4, 5, 3, 4 and 5। ये वैसे आ जाएगा 1, 2, 10 अब ये वाले इधर से काट दें तो बाकी आ जाएगा 2, 3, 4 काट दें 1, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 इंटरसेक्शन, ये वाले भी काट दें 3, 4, 5 बाकी क्या आ रहा है 1, 2, 6, 7, 8, 9 and 10 ये वैसे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब
इन दोनों में से जो एक जैसी है ना वो लिख लें, क्योंकि दरमियान में इंटरसेक्शन है। तो वन दोनों में है, 7, 8, 9, 10, 1, 7, 1, 6 भी है, 1, 6, 7, 8, 9 एंड। अब ये वाले इधर से काट दें, तो बाकी आ जाएगा 2, 3, 4, 5। ठीक है जी। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका होल है से। इसको लिखेंगे एस माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, पहले एस का सेट लिख लेंगे, पहले क्या करेंगे एस का सेट ये मैंने लिखा हुआ पहले, फिर ए का सेट। ए का सेट है 2, 3, 4, इंटरसेक्शन बी का सेट 3, 4, 5, यूनियन सी का सेट 5, 6, 7। अब जिस पे गोल ब्रैकेट है वो पहले हल कर लेंगे, वो इन दोनों में यूनियन है, इकट्ठा कर देंगे 3, 4, 5, 6, 7। अब दरमियान में इंटरसेक्शन आ गए तो जो दोनों में है वो लिख लेंगे, और ये मैं एस वाला खोल के लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो, दोनों में जो सेम है वो लिख लेंगे, जो दोनों में है। तो 3 दोनों में और 4 दोनों में है बस। अब ये माइनस है इधर से, ये वाले काट देंगे तो आ जाएगा 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 एंड। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स इसमें कवर हो गए।